हरे कृष्णा। प्रश्न ये है कि क्या नरक जैसी कोई चीज़ होती है या सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ लोगों ने अपने मन से बना दी हैं लोगों को डरा धमका कर जो है उनको सही रास्ते पर रखने के लिए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि सिर्फ मनगढ़ंत है, अपने आप लोगों ने ऐसे कुछ भी बोल दिया। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, यहीं पर है, यहीं स्वर्ग है, यहीं नरक है, जो है सब यहीं पर है। देखिए ऐसा नहीं है, जो नर्क और स्वर्ग के बारे में लगभग सभी शास्त्रों में बताया गया, वो डिटेल में बताया गया, भागवत गीता में कई जगह इसका जिक्र आता है। तो ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, ये शास्त्रों के अनुसार हैं। तो अभी देखिए नरक है क्या, जैसे हम जिस समाज में रहते हैं यहाँ जो गवर्नमेंट है उसके बनाए हुए नियम हैं, अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो हमको जेल में जाना पड़ता है। इसी तरह इस ब्रह्मांड में प्रकृति की सत्ता है, अगर उनके बनाए हुए नियमों का हम पालन नहीं करते हैं तो हमको उनकी बनाई हुई जेल यानी कि जो नरक के प्लैनेट्स हैं वहाँ पर जाना पड़ता है। तो पूरे ब्रह्मांड को शास्त्रों में बताया गया कि अलग अलग प्लेन्स में है। इस वक्त हम जिस भूलोक में, जिस अर्थली प्लैनेट्स में, ये एक प्लेन है। इसके ऊपर के जो प्लेन्स हैं वहाँ पे अलग प्लैनेट्स हैं, वहाँ पे जो है सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, वहाँ जो है मनोरंजन के साधन जो है वह ज़्यादा हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्वर्ग बोलते हैं। इसी तरह नीचे के प्लैनेट्स हैं वहाँ पे दुख दर्द जो बॉडीली प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा हैं, तो उन प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं, नरक बोलते हैं। तो अब आप देखिए भागवत गीता में जैसे 14.18 है उसमें एकदम भगवान क्लियर डेफिनेशन देते हैं, क्या बोलते हैं, उद्भवं गच्छन्ति सत्व सताहा मध्य तिष्ठन्ति राजसहा अधो गच्छन्ति जघन्य गुणवर्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसहा। यानी कि अगर आप सात्विक गुण में कार्य करेंगे, अगर आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपको ऊपर के प्लैनेट्स यानी कि जो स्वर्ग है वहां पे जाना होगा। अगर आप राजसिक गुण में कार्य करेंगे, आप केवल अपने अपने लिए कार्य करेंगे, तो जो आप जिस प्लेन में ऑलरेडी हैं, जो धरती के प्लैनेट्स हैं, इस प्लेन में ही आपको रहना पड़ेगा। अगर आप तामसिक गुण में कार्य करेंगे यानी कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरों की परवाह नहीं करेंगे, तो आपको क्या करना, नीचे के जो प्लैनेट्स हैं, जो नरक के प्लैनेट्स हैं, उनमें जाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में आप देखिए पांचवें स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी बहुत डिटेल में बताते हैं। वो बताते हैं कि जो टोटल नरक के प्लैनेट्स हैं वो 28 कैटेगरी में, उनके नाम है वहां पे, तमिश्रहा, अधमिश्रहा, रोवाना, इस तरह से करके 28 नाम बताए उन्होंने। वहां पे कैसी लाइफ है, वहां क्या होता है, आप कैसे कैसे कर्म करेंगे, तो आपको किस किस प्लैनेट में जाना पड़ेगा, वहां आपको क्या परेशानी होगी, बहुत डिटेल में बताया। तो ऐसा कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये शास्त्र के ऊपर है और साइंटिफिक है, प्रॉपर लॉजिकली बहुत ढंग से इसके बारे में डिटेल में बताया गया। दूसरी बात कि इसके बारे में डराया क्यों जाता है, देखो जहां जहां जरूरत है वहां डर की बात करना जरूरी है। अगर एक बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा है तो उसको बताना जरूरी है कि वो फेल हो सकता है। अगर एक पेशेंट ठीक से दवाई नहीं ले रहा है तो उसको बताना जरूरी है कि वो और ज्यादा बीमार हो सकता है। अगर कोई सिग्नल से परवाह नहीं कर रहा है उसको बताना जरूरी है कि भाई चलान कर सकता है, 1000 रुपए का, 2000 का चलान कट जाएगा तुम्हारा। इसी तरह अगर कोई कर्म अच्छे नहीं कर रहा है या एटलीस्ट ठीक नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, साधु संतों को बताना पड़ता है कि भाई तुम जिस तरह के कर्म कर रहे हो तुम्हें नरक के प्लैनेट्स में जाना पड़ेगा। इसमें गलत क्या है, जरूरी है तो, बल्कि ना बताना गलत है। अगर आप सचेत नहीं करेंगे तो वो बताना गलत है, तो डर की बात करना गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें इसका एक दूसरा पहलू भी, अगर एक बच्चा है वो इतनी मेहनत कर रहा है कि वो क्लास में टॉप आना चाहता है, तो उसके माँ बाप उसको बताएंगे कि वो टॉप कैसे आए, वो 100 में से 100 मार्क्स कैसे लाए, उसको फेल होने के लिए डराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम अच्छे काम कर रहे हैं, हम समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम अपने अपने घर परिवार के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, हम किसी को अपने स्वार्थ के लिए परेशान नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे काम कर रहे हैं कि सरकार जो है हमको भारत रत्न के लिए नॉमिनेट कर रही है। अब जो इंसान भारत रत्न के लिए नॉमिनेट हो रहा है उसे जेल में जाने की सोचने की जरूरत नहीं है, सरकार को उसको डराने की जरूरत नहीं है कि जेल है और तिहाड़ जेल है और वहां पे ऐसी ऐसी लाइफ है, जरूरत ही नहीं है, वो काम ऐसे कर रहा है। तो हम भी ऐसे काम करें, भगवत गीता में इतना डिटेल में बताया है कि सात्विक गुण में काम कैसे होते हैं, हम भी ऐसे काम करें, जरूरत ही नहीं है, ना डरने की जरूरत है ना सोचने की जरूरत है। इसकी एक बात हो रहा है, भगवत गीता में भगवान 8.16 में बताते हैं कि चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो, हर जगह जन्म मृत्यु है, हर जगह परेशानी है। ठीक है कहीं कम है कहीं ज्यादा है, पर हैं, हर जगह हैं। इसलिए भगवान बताते हैं 8.20 में भगवान अपने धाम के बारे में बताते हैं जो इस स्वर्ग और इस नरक से परे है, इस पूरे मेटेरियल वर्ल्ड से परे है, वहां भगवान रहते हैं, वो हमारा एक्चुअली में घर है, हम वहां के वासी हैं, यहां तो हम एलियन की तरह हैं। तो भगवान बताते हैं हमें कैसे हमें वहां पर आना चाहिए, हमें अपने घर पे वापस आने के बारे में सोचना चाहिए। और 8.21 में भगवान बताते हैं कि जो एक बार वापस अपने घर लौट आता है वो कभी वापस लौट के इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आता है। और पूरी भागवत गीता में भगवान जो है भक्ति योग के बारे में इतना क्लियरली बताते हैं कि कैसे बहुत आसानी से हम अपने घर वापस लौट सकते हैं।
तो हमें अपना जीवन इस महत्वाकांक्षा के साथ जीना चाहिए कि हम कैसे अपने घर वापस लौटें। और जब हम ऐसे काम करेंगे तो ना हमें नरक के बारे में सोचने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। तो जो नरक के प्लान्स हैं वो शास्त्रों के ऊपर बेस हैं, वो मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं। हमें एटलीस्ट सात्विक गुण में कार्य करना चाहिए ताकि जो है हमें नरक के बारे में ज़्यादा डर ना लगे या उस बारे में हम ना सोचें। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए हम कि हम वापस अपने धाम कैसे जा सकते हैं, हम वापस अपने घर कैसे जा सकते हैं, ताकि हमेशा हमेशा के लिए इस नरक, स्वर्ग और इस धरती के चक्रों से हमें छुटकारा मिल जाए।